स्वागत है आप सभी साथियों का आरएस क्लास में। साथियों आज है 22 जून 2020 और 22 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी साथी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मैं रोज आपसे कहता हूँ सुबह उठने के तुरंत बाद ये वीडियो देखा करो, उसके बाद बाकी के काम किया करो। मान लीजिए अगर एक भी क्वेश्चन आने वाले किसी एग्जाम में फंसता है तो ये वीडियो आपके लिए कितना लाभकारी रहेगा ये आप ही जानते हो। तो रोज सुबह उठने के तुरंत बाद ये वीडियो देखें, उसके बाद बाकी के काम करें। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन है ये, हाल ही में किस बैंक ने कोविड 19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है। तो ये कोविड 19 महामारी जो चल रही है इसे कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी किस बैंक ने लॉन्च की है, ये की है आपके ऑप्शन बी कर्नाटक बैंक ने। ऑप्शन बी कर्नाटक बैंक ने ये हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है। अच्छा कर्नाटक बैंक की स्थापना कब हुई थी, 18 फरवरी 1924 में। 18 फरवरी 1924 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है मंगलुरु में और एमडी और सीईओ हैं इसके महाबलेश्वर एमएस। इसके एमडी और सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है ये, निम्न में से भारत कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य बना है। तो कितने साल के लिए भारत अस्थाई सदस्य बना है, ये बना है आपका 2 साल के लिए। ऑप्शन बी 2 साल के लिए अस्थाई सदस्य बना है। भारत ने 193 सदस्यीय महासभा में 184 मत प्राप्त करने के बाद 2 साल के लिए चुनाव जीता है। अच्छा संयुक्त राष्ट्र इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 1945 को इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में। अच्छा टोटल सदस्य हैं इसमें 193, टोटल सदस्य देश है इसमें 193। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटरेस। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस राज्य ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है। तो किस राज्य ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है, ये बदला है आपका जम्मू कश्मीर ने। ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर ने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग रखा है। क्या रखा है, कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग रखा है। नेक्स्ट आ जाता है ये है आपका, निम्न में से किसे 75वीं संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा UNGA का सदस्य बनाया गया है। तो UNGA का सदस्य बनाया गया है वाल्कोन वोजगिरी को सदस्य बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र सितंबर 2020 से आरंभ होगा। कब से होगा, सितंबर 2020 से आरंभ होगा 75वां सत्र। नेक्स्ट आपका ये, हाल ही में किसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल शुरू की है। तो ये योजना शुरू की है ICICI होम फाइनेंस ने। ऑप्शन बी ICICI होम फाइनेंस में ये योजना शुरू की है। अधिकतम आय 6 लाख रुपए प्रति वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, अधिकतम आय 6 लाख रुपए प्रति वर्ष होना चाहिए तभी ये लोन मंजूर होगा। अच्छा ICICI बैंक इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष कौन है इनके, अनूप बागची। एमडी एंड सीईओ हैं इसके अनिरुद्ध कमानी। नेक्स्ट है आपका ये, हाल ही में कुवाट बेट बोरोनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये बने हैं आपके किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये किर्गिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है इसकी बिश्केक, मुद्रा है किर्गिस्तान सोम और राष्ट्रपति है सोरोनबे जीनबेकोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है,
निम्न में से वीपीआर वीपीआर विट्ठल का निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वीपीआर विट्ठल जी संबंधित थे अर्थशास्त्र से। किससे संबंधित थे? अर्थशास्त्र से संबंधित थे। ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र से संबंधित थे। इन्होंने सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज हैदराबाद की स्थापना भी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में सरकार देश भर में जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया सेंटर KIC स्थापित करेगी? तो कितने KIC स्थापित करेगी? ये करेगी ऑप्शन ए 1000, 1000 KIC स्थापित करेगी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका ये, हाल ही में कौन JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं आपके एक और दो, यानी दोनों, सुनील छेत्री और सौरभ गांगुली, सुनील छेत्री और सौरभ गांगुली। नेक्स्ट है आपका और लास्ट का क्वेश्चन, वो ये है, विश्व शरणार्थी दिवस 2020 की थीम क्या है? तो 2020 की थीम है विश्व शरणार्थी दिवस की एवरी एक्शन काउंट्स। क्या है? ऑप्शन बी एवरी एक्शन काउंट्स। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 की थीम एवरी एक्शन काउंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कल हमने वीडियो में पूछा था वो ये है, अगस्त 2021 में UNSC का अध्यक्ष बनेगा, तो UNSC का अध्यक्ष बनेगा अपना देश भारत, ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वो ये है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।